हमारे बीच भ्राता रोहित जी, हमारे वरिष्ठ भ्राता जी का स्वागत करने के लिए आगे आ रहे हैं। के सत्र में मैंने कुछ परिचय दिया था आपको, बहुत संक्षिप्त में। हम सब करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे हमारे श्रद्धे राजयोगी भ्राता जगदीशन जी, हमारे मध्य में उपस्थित हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रत्येक पल की प्रगति के साक्षी हैं, आदि रत्नों में शिरोमणि कहें हमारी दादियां हैं, और दादियों के साथ निरंतर इस यज्ञ की दिन रात उन्नति में सहयोगी हैं। इसके अतिरिक्त मैंने सुबह बताया था कि माँ सरस्वती के वरद पुत्र हैं। साहित्य जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में बिखरा हुआ मिलेगा आपको, जितनी भी पुस्तकें हैं आपके हस्ताक्षर हैं, आपकी लेखनी से वो विचार निकले हैं जो प्रभु पिता ने हम सबको दिए। बहुत ही कठिन क्लिष्ट साहित्यिक भाषा का प्रयोग न करके जन जन तक उसको पहुंचाने के लिए गुड़ से गुड़ को सरल से सरल और सहज भाषा में आपने स्वरूप दिया है। देश विदेश तक आपने बाबा के इस ज्ञान की मशाल जलाई है कि आप अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। रथ अस्वस्थ होने के बाद भी हम सौभाग्यशाली हैं, पुनः एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे, अपने विचारों से हमें लाभान्वित करेंगे। ओम शांति। आप सभी सज्जनों के बीच में पधार कर बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप सब बहुत श्रेष्ठ कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि जो धर्म उपदेश है, धार्मिक शिक्षा है, वही मनुष्य को पशु पक्षियों से अलग एक ऊंचे स्तर का प्राणी सिद्ध करती है। उस ऐसे श्रेष्ठ कार्य में आप लगे हुए हैं। मनुष्य को शांति कैसे मिले, उसका जीवन निर्विकार कैसे हो, उसके विचारों की शुद्धि कैसे हो, वो सबसे प्रेम से कैसे रहे, उसका व्यवहार सबसे कैसे अच्छा बने, ये सब शिक्षा आप लोग देते हैं, इसलिए नतमस्तक हूँ आपके सामने। आप धन्य हैं। मैं कई धार्मिक सम्मेलनों में गया हूँ, देश में भी और विदेश में भी। शिकागो में जो 100 साल के बाद जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुआ था, उसमें भी आमंत्रित किया गया था, वहाँ मैं गया था। दूसरे भी जो सम्मेलन लॉस एंजलिस या और स्थानों पर होते रहे, इसी प्रकार से अपने देश में भी मैंने देखा कि मंच पर बहुत से धार्मिक नेता विराजमान हैं, विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न विचारधारा के और अलग अलग मत की पुष्टि करने वाले बैठे हैं। जरूर कुछ साधना भी करते हैं, कुछ त्याग भी होगा, कुछ वैराग्य भी होगा, उन्होंने जीवन अपना इसमें लगाया हुआ है, कुछ प्राप्ति भी हुई होगी, उसके बिना क्यों ऐसे करेंगे, ये मेरे मन का विचार था। लेकिन बहुत नज़दीकी से जब मैं देखता गया, ये मैं बचपन से लगा हुआ था इसी कार्य में, क्योंकि अभी मैं बहुत छोटा ही था, मेरे मन में ये एक बहुत उत्कट इच्छा थी कि मुझे परमात्मा से मिलना है, मुझे आत्मा के स्वरूप में स्थित होना है, मुझे आत्मा अनुभूति करनी है, मेरे जीवन का यही परम लक्ष्य है, इसको किए बिना मैं नहीं टलूंगा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो उस भावना से जो कोई भी सत्संग या धार्मिक सम्मेलन होता था, मैं उसमें शामिल होता रहा, कुछ शास्त्रार्थों में भी शामिल होता रहा, देखता रहा, कई महात्माओं से, साधुओं से, संतों से जो अब नहीं रहे, शरीर छोड़ गए, उनसे भी मिलता रहा, योगियों से। लेकिन जैसे जैसे मैं नज़दीक में गया, तो मैंने देखा कि हर एक के जीवन में कुछ पुरुषार्थ और ज़्यादा करने के लिए कुछ गुंजाइश है, करते हैं सब, लेकिन गुंजाइश है, किसी न किसी बात में आगे जाकर कोई व्यक्ति फंस गया है,
छोड़ तो आया अपने घर बार को भी, पैसे को भी और सब कुछ, आगे जाके पैसे के चक्कर में पड़ गया। कई ऐसे भी लोग देखे इस तरह से, और कोई और प्रलोभन से फंस गए, कई उत्तेजना में फंस गए, किसी उकसाहट में आ गए और उनका जीवन बर्बाद हो गया। ऑस्ट्रेलिया में मैं गया था, वहाँ एक संप्रदाय के सन्यासी थे, तो योग का अभ्यास वहाँ कराते थे। उन्होंने एक मेडिटेशन सेंटर वहाँ खोला हुआ था, तो मैं मेलबोर्न में जब था ऑस्ट्रेलिया में, तो उनको मालूम हुआ कि भाई ये भारतवर्ष से कोई योग सिखाने के लिए आया है, तो उसने वहाँ से फ़ोन किया मेरा मालूम करके और मुझे आमंत्रित किया कि आप सिडनी में भी आएं, हमारे यहाँ जो विद्यार्थी आते हैं उनको योग का कुछ बताएं। मैं गया उनके स्थान पर ही ठहरा, मुझे उन्होंने जब परिचय कराया तो उन्होंने कहा ये मेरी सेक्रेटरी है, विदेश की एक बहन थी जो उन्होंने कहा कि ये हमारी सेक्रेटरी है। वहाँ हर एक जो योगी संत महात्मा सेक्रेटरी रखता है, और मैंने देखा है आमतौर से कोई विदेशी सेक्रेटरी, ये सब ऐसा नहीं करते, प्राय ऐसा करते हैं। फिर साथ साथ ये कह दिया कि ये मेरी वाइफ भी है। कपड़े उन्होंने भगवे पहने हुए थे, योग सिखाते थे, और साधु वेश था उनका सारा टोटल, और ये उन्होंने मुझे कहा। तो योग में जो योग के नाम यम नियम है, आपको मालूम है कि ब्रह्मचर्य का उसमें कितना बड़ा महत्व है, और जब उन्होंने ये कहा तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा इनके विद्यार्थियों से बात करने से पहले तो इनसे करनी चाहिए। मैंने कहा कि ठीक है, आपने मुझे बुलाया है, मैं इनके सामने भी होगा, पेश होऊंगा और कुछ दो वचन कहूंगा, मुझे आपसे भी व्यक्तिगत रूप से किसी टाइम बातचीत करनी है। मैंने कहा यही हमारी सेवा है, इस व्यक्ति से बात किए बिना मैं चला जाऊंगा तो मेरी सेवा अधूरी रह जाएगी। ये बदलें या ना बदलें, जो सही बात है वो तो इनसे कह के जानी चाहिए, और कौन कहेगा इनसे। क्योंकि आपको मालूम हो विदेशों में जो कुछ भी होता है पैसे से होता है, अगर कोई लेक्चर भी होगा तो उसकी टिकट होगी, इतने डॉलर लगेंगे। ऐसे भारतवर्ष की तरह से नहीं है कि जिसकी मर्जी आ गए बैठ गए, आपने पंडाल लगा रखा है और हर कोई आके बैठ जाता है, ऐसा नहीं है। वहां पर कोई भी आदमी आता है उसकी फीस है, बिकती है, हर एक चीज बिकती है, योग भी बिकता है। मैं पहली दफा गया था 71 में, सन 71 में, मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो भगवान की दी हुई चीज है, भारतवर्ष का जो सबसे अनमोल उसकी जो निधि है, वो भी बेची जा रही है। हमें इस बात से खुशी होनी चाहिए कि अगर योग सीखने से किसी व्यक्ति के लाइफ में परिवर्तन आया है, उसके जीवन में शांति हुई है, उससे हमें आशीर्वाद मिलेगा, दुआ निकलेगी, बस यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर आश्रम है, स्थान है, चलते हैं तो यथाशक्ति यथा योग कोई अपना उसमें सम करता है, वो उसकी इच्छा है, वो भी मांगने की जरूरत नहीं है। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के फाउंडर ने कहा है कि मांगना मरना अच्छा है मांगने से, कभी भी किसी से मांगना नहीं है। हाँ जी, इतने पैसे दो, ये मकान बनेगा, आप इतने पैसे दो, और दर्जे रखे हुए हैं, प्रसाद के भी पैकेट बनते हैं, तो उसके भी ये इतने का प्रसाद है, ये उतने का प्रसाद है, उसे प्रसाद की भी जो भावना उसके पीछे थी वो समाप्त हो गई है। कोई प्यार, कोई आपस में सद्भावना, भ्रातृत्व ना रहकर आप देखते हैं कि मनुष्य कैसा हो गया। धार्मिक स्थानों पर अगर ऐसा होने लगे तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे, तो बनी और उसमें फर्क क्या रहा बाकी, ये तो सौदाबाजी हो गई एक प्रकार से। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि मैं जैसे जैसे नजदीक आया और देखा मैंने, तो मुझे लगा कि कहाँ जा रहे हैं हम। शायद आप सोचते होंगे कि इसने ये नहीं बताया
कि उस व्यक्ति से क्या बात हुई जो सिडनी में था, और मैं छोड़ गया बीच में क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपकी क्यूरियासिटी बनी रहेगी, उसको भी थोड़ा सा बता ही दूं। मैंने उनसे व्यक्तिगत में बात की, बात में तो कुछ समय लगा, कुछ उनकी बात सुनी, कुछ अपनी बात कही। सार मैं ये कहना चाहता हूँ, उसने स्पष्ट रूप से दिल खोलकर मुझे कहा, जगदीश भाई मैं ब्रह्मचर्य का ही पालन करना चाहता था, ये मेरे जीवन की बड़ी इच्छा थी, और मैं जानता हूँ कि योगी के लिए ये अनिवार्य नियम है, फिर मैंने ऐसा क्यों किया? आपने ठीक पूछा मुझसे, मुझे चाहिए था ऐसा कोई पूछने वाला। आपने एक दफा फिर मेरी आत्मा को जगाया कि क्या कर रहे हो तुम, ये अच्छा लगा है मुझे। आपने क्यों पूछा मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में, ये मेरा अपना मानदा है, दूसरा कोई इंटरफेयर क्यों करे, ऐसा मैं नहीं कहता। आपने जो पूछा मैं उसकी सराहना करता हूँ, मुझे अच्छा लगा है, लेकिन बात यह है कि मन से मैंने इस विकार को जीता नहीं था, दंभ था, दबाया हुआ था, तो मैं चलता था संसार में, मेरी दृष्टिवृत्ति ठीक नहीं थी, उसमें ब्रह्मचर्य नहीं था। इंद्रियों के से ब्रह्मचर्य का पालन तो करता था, लेकिन बहुत मजबूरी से, लाचारी से। मुझे कोई मार्गदर्शक नहीं मिला जो मुझे सहज ऐसा कोई रास्ता बता दे जिससे ब्रह्मचर्य मुझे लगे यही तो जीवन है, ये नेचुरल लाइफ है। नेचुरल लाइफ नहीं लगी, लगा कि ये कोई जोर जबरदस्ती करने की बात है, तो मैंने सोचा कब तक ऐसा करूंगा, बल्कि मुझे ऐसे लोग बहुत मिले जो ये कहते रहे कि कब तक तुम ऐसे करोगे, हाँ जी जीवन में कोई साथी चाहिए भाई, कोई सुख दुख का देखने वाला चाहिए, और अलग अलग तरीके से लोगों ने मुझे गिराने की कोशिश की। उन्होंने ये नहीं समझा कि मेरा लक्ष्य कुछ अलग है, तो मैं गिर गया, और आखिर मैंने फैसला किया कि मैं विवाद कर लूं, मैंने कर लिया, अब कर तो बैठा हूं। अब आप मुझे ये बताओ कि कैसे मैं इस चीज से छूटूं, मेरे जीवन में वो पवित्रता हो, मन में वो शुद्धि हो। रोज बात प्रार्थना करते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, तो विषय विकार मिटाएं कैसे? भगवान से प्रार्थना कर देते हैं और हम कुछ करते नहीं। हे अर्जुन तू ज्ञान रूपी तलवार से काम रूपी शत्रु को मार, लेकिन मेरे पास ना तो तलवार है ऐसी जो इस शत्रु को मार सकूं, है नहीं, और इसको पूर्ण रूप से शत्रु समझूं, इसको दोस्त समझ लेता हूं कई दफा, तो ये मेरे मन की हालत है। तो थोड़ा सा संक्षेप में मैंने आपको बताया इसके विषय में। तो इस तरह से मैंने देखा कि जो चलते चलते साधनों की बजाय उसने व्यवसाय बना लिया था, पैसे लेते थे। और भी कई लोगों के किस्से सुना, बहुत बड़े बड़े योगी भारतवर्ष के, उनके आश्रम यहाँ भी वहां भी पैसे लेते हैं, टिकट अच्छी तरह से लेते हैं। मुझे भी उन्होंने बहुत कहा तुम क्या कर रहे हो, विदेशियों ने हमें लूटा है और आप फ्री दे रहे हो योग, हमारे पास इंडिया में और चीज है ही क्या, इससे ही हम लोग इनसे पैसा वसूल करेंगे, ऐसा ऐसा बोलते थे। मैंने कहा भाई ये तो भगवान की देन है, हमारे बुजुर्गों की देन है, ये तो किसी की सेवा के लिए बहुत बड़ा साधन है, आप ये क्या कहते हैं, लेकिन बिगड़ चुके थे। तो अब उन सब बातों को देखकर हम एक बात के ध्यान में, मेरे जो मन में है संक्षेप में दो तीन बातें वो कहना चाहता हूँ, जो सब में कॉमन है, सब धर्मों में सब संप्रदायों में, उसको हम लोग अगर ध्यान से करें तो फिर से पवित्रता की हम गंगा बहा सकते हैं, एक दफा सबके मन को निर्मल कर सकते, जीवन सबका सुखी हो सकता है, ये बदल सकता है नक्शा इसका। जो भारत इतना महान था, जिसका इतना गायन था, जो जगत का गुरु माना जाता था, फिर से वैसी उसकी स्टेज हो सकती है। हमारी अपनी जो इच्छा है कि ईश्वर अनुभूति हो और हमारा जीवन सात्विक हो,
और उसमें कोई भी बुरे विचार ना आए तो उसके लिए भी वो पूर्ति हो सकती है। उसमें एक बात तो ये है कि जितने भी धर्म हैं वो ये कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया धर्म का मूल है। ये कितने अच्छे शब्द लगते हैं। हर एक किसी भी आप रिलीजन में चले जाएं, प्राणियों पर दया करो, जियो और जीने दो, ये धर्म का पहला सिद्धांत है। अगर मारो काटो किसी धर्म का सिद्धांत है तो धर्म नहीं है, वो मिसनोमर है, गलती है शब्द प्रयोग उस शब्द की। तो मुसलमानों के यहां जाएं, और रहमानुर रहीम, जो भी आप कुरान का पहला कोई भी चैप्टर खोलेंगे, और रहमानुर रहीम, वो परमात्मा, वो खुदा जो है वो रहमान है, रहीम है, रहम करता है। बाइबल में आप देखें गॉड इज मर्सीफुल, परमात्मा जो है दयालु है। कोई आदमी जब दुखी होता है, जब कोई उस पर जुल्म करता है, सताता है, उससे बेइंसाफी करता है, बहुत उसको परेशान करता है, तो भगवान को कहता है हे दयालु प्रभु, हे कृपालु प्रभु, आपकी कृपा का हाथ मेरे ऊपर चाहिए। भगवान का जो और गुण है, सब लोग जब भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं तो उसमें ये दया और कृपा मुख्य रूप से इसका वर्णन करते हैं। तो एक तो मैं ये समझता हूँ ये सब धर्मों में कॉमन चीज है। और ये आप देखिए सिख धर्म में हम जाते हैं सर्वत्र का भला, सबका भला हो, सबका भला कैसे होगा बिना दया किए हुए, हर एक धर्म में ऐसी। तो एक तो अगर जहां जहां कोई सत्संग करता है, जिसका अपना कोई आश्रम है, धर्म उपदेश दिए जाते हैं, कोई धार्मिक साहित्य लिखा जाता है, तो उसमें इस बात का अगर हम लोगों को बुद्धि में बात बिठा दें कि भाई दया करो, दया करो, इस एक शब्द दया में कई गुण छिपे हुए हैं। गुस्सा मनुष्य का शांत हो जाता है, जब कोई व्यक्ति मान लीजिए हमारा अपमान करता है, उत्तेजना होती है, उकसाहट होती है, क्या बोलता है, बिना बुनियाद के हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है और हमारी बेइज्जती कर रहा है अच्छे लोगों के बीच में, तो मनुष्य को लगता है कि इसको अच्छी तरह से जवाब दो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। नहीं, अगर उस टाइम आपके मन में यह आए कि दया करो, इस पर भी दया करो, जो अपकारी है उसका भी उपकार करो, तो देखिए वो शांत हो जाएगा उसी समय। तो ये बात। दूसरा ये हर एक धर्म में है कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है, ये शरीर जो है ये पंच भौतिक है, ये प्रकृति का बना हुआ है, मटेरियल है। आत्मा जो है स्पिरिचुअल है, इससे अलग है, वो ज्योति है, लाइट है, माइट है, मैं वो हूं, शाश्वत हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। तो ये पाठ पक्का अगर किया जाए कि सबको आत्मिक दृष्टि से देखो। कहते तो हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, माँ बाप तो हर एक के अलग अलग हैं, भाई भाई कैसे हुए, भाई भाई तो आत्मिक नाते से हुए, हम उस एक पिता की संतान हैं। इसलिए हर एक धर्म यही कहता है। बाइबल में अगर आप देखें आवर फादर इन हेवन, आए हमारे आसमान में रहने वाले बाप। देखिए हर कोई की मान्यताएं थोड़ी अलग अलग भी हैं, लेकिन परमात्मा को पिता मानते हैं। इसी तरह से तुमेव माता च पिता तुमेव, हे भगवान आप हमारे माता पिता हो। है जी, सिख धर्म में तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तो भाई तुम हमारे माता पिता हो। तो ये बात भी अगर उनके दिमाग में अच्छी तरह से बिठा दी जाए कि जब हर एक को देखते हो, शरीर को देखते हो, दो आंखें तो तुम्हारी खुली हैं, ये जो तीसरा नेत्र है, ज्ञान का जो नेत्र है, चक्षु है, ये दिव्य चक्षु, ये खोलो, देखो किससे मिल रहे हो, आप मुख से बात कर रहे हो, आत्मा मुख से बात कर रही है, वो सुन रहा है कानों से
आत्मा सुन रही है कानों से। तो ये अभ्यास अगर सबका पक्का किया जाए तो आत्म स्वरूप में अगर स्थित हो, दृष्टि हमारी आत्मिक हो जाए बजाय देह अभिमान के, देही अभिमानी हम बन जाएं, सोल कॉन्शियस बन जाएं, बॉडी कॉन्शियस की बजाय, इसको पक्का करें। कितने हमारे पास आते हैं लोग, हम इसमें खुश होते हैं कि हजारों लोग थे, हजारों लोगों में से पल्ले किसके पड़ा, बदला कौन, चेंज कौन हुआ, वो किसी से पूछते नहीं है। हम बैठकर उसको समय देकर उसका कोई चिट्ठा देते नहीं है और ये समझते हैं कि संख्या बढ़ रही है, लोगों को अच्छा लग रहा है। ये तो वाक विलास है, ये तो एक कान का रस है, बोलने का किसी किसी का एक आर्ट होता है, वो दूसरों को अपने शब्दों से मोह लेता है, ये नहीं। मनुष्य के मन में परिवर्तन कीजिए, वो आया है तो कुछ सीख कर जाए, कोई अच्छी बात लेकर जाए, खराब बात छोड़ कर जाए, ये उसका फल होना चाहिए। तो ये हमारा एक ध्यान रहे कि हम सबको यही शिक्षा दें, तुम आत्मा हो, आत्मवत देखो सबको। और जब आत्मा है, भाई भाई हैं, तो हमारा माता पिता, पिता कौन है? कहते हैं गॉड इज लाइट, अल्लाह एक नूर है, है परमात्मा एक ज्योति है, वो अजूनी है, वो की योनि, उसका कोई शरीर नहीं है, वो निरंकार है, उसका जो साकार रूप है नहीं है, लेकिन वो परमात्मा इस प्रकृति की देह में माता पिता के यहां से जन्म नहीं लेता है। गीता में भी है कि मेरा जन्म दिव्य है, मैं साधारण मनुष्य की तरह से जन्म नहीं लेता हूं। तो वो जो अव्यक्त मूर्त परमात्मा है, लाइट है, वो क्या है लाइट? उसका थोड़ा सा, अब आप यहां आए हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान दें, हम लोगों को जो उसकी कृपा प्रसाद के रूप में मिला है, हम शेयर करना चाहते हैं आपसे। अगर आपको उससे कोई चीज मिले, लाभ हो, तो दूसरों को बांटिए। प्रसाद अकेला नहीं लिया जाता, बांट के खाया जाता है, उसे कईयों का भला होगा। और चौथी बात जो है वो ये है कि दैवी संपद, जो दिव्य गुण है, लोगों का ध्यान उस तरफ हम खिंचवाएं कि दिव्य गुण धारण करो, संतोष, मधुरता, नम्रता, सहनशीलता, गंभीरता इत्यादि जो दिव्य गुण हैं, इनका ह्रास हो जाए, हो रहा है। ये धर्मग्लानी जिसको कहा जाता है, वो उसके लक्षण यही है कि इनकी जो है ये लुप्त होते जा रहे हैं। इन चार बातों पर अगर सभी धर्म ध्यान देने लगे, सम्मेलनों में भी इस बात की चर्चा हो कि ये कार्य कैसे किया जाए, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो फिर मैं समझता हूं कि कल्याण जल्दी हो जाएगा। अब इसके बाद आपका भी कार्यक्रम शुरू है, मुझे भी कहीं जाना है, थोड़े समय के लिए आपके सामने आया, जो मेरे विचार हैं आपके सामने रखे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओम शांति। अभी हमारे बीच में भ्राता जी ने जो आशीर्वचन के पुष्प रखे, विशेष बल दिया कि हम अपनी आत्मीयता को इतना उजागर करें कि उसका संदेश जन जन तक पहुंचे। हृदय से धार्मिक प्रभाग की ओर से, अपने समस्त उपस्थित मेहमानों की ओर से, हम अपने भ्राता जी के बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने इतना अमूल्य समय हमें दिया और प्रेरणाएं दी।